भाई कंपनी गार्डन कभी मत आना, मसूरी मत आना। सो माय फेवरेट एमजे, इसने पता ये जो दिखा सबके साथ ही चाहिए। चल चलते हैं, वाह क्या धूप आ रही है भाई, मजा आ गया। हम जाएंगे थोड़ी देर में आगे, फिर निकलते हैं बाहर। जब से घर से बाहर निकले कोई ना कोई काट ही रहा है, जब से हम घर से बाहर निकले। अभी भी बंदे ने 750 वो बता दिया था प्राइस खाने का, मैंने कैलकुलेट किया तो 650 का। कोई नहीं, उससे गलती हो गई, नॉट अ बिग डील। हम यहाँ से जा रहे हैं, हम बाहर देखते कोई क्या मोटा क्या कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे कोई क्या है, देखते हैं भाई मसूरी लेक के लिए कुछ जुगाड़ मिलता है, फिर जब उसमें चले जाएंगे। अदरवाइज यार मैं स्कूटी लेने के इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि यार हमें 2 घंटे का काम है, 2 घंटे के लिए भाई 400 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे कहता है पागलपंती, क्योंकि इतने ही प्राइस में पता हम लोग ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। वैसे यहाँ कुछ खुला तो है नहीं, अभी हम आ तो गए हैं, अरे वहीं चलना पड़ेगा ना, फिर वहीं चलेंगे। बस अंकल हमें देख के रेट ना बढ़ा दें। अद्भुत छोले भटूरे ले ले दो, ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया। मेरे घर बंदे से ये भी पूछ लेता हूँ, मसूरी लेक की तरफ कुछ जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ब्रो, पूरा प्लान सेट हो गया तो निकलेंगे मसूरी लेक की तरफ। कंपनी गार्डन तो हमारे पास ही है, 1.5 किलोमीटर दूर, लेकिन मसूरी लेक ना थोड़ा 7 किलोमीटर दूर है, और नीर वो और वो कैंपटी फॉल ना और भी ज़्यादा दूर है, वो 16-17 किलोमीटर दूर है। भाई छोले भटूरे आ चुके, तेरा आना बाकी है ना, कहीं पता चल रहा है इसी में दोनों का। भटूरे देख रहे हो भाई कितने बड़े हैं, ऑसम। चलो सही है, सुबह सुबह सही जुगाड़ होगा। फिलहाल सुबह भी आ चुके हैं, धुआं फेंकता हुआ। यहाँ से जा रहे हैं हम भाई स्कूटी रेंट करने के लिए, देखते हैं स्कूटी कौन सी वाली मिलती है। हेलो भाई लोगो, यहाँ है भाई, पीछे चलते हैं भाई, स्कूटी लेके आते हैं पहले। चल सुधांशु पे करते हैं, स्कूटी लेके निकलते हैं ब्रो। ब्लॉग में मुझे ले लो भाई, आप ब्रो देखो आपको ऐसी स्कूटियाँ मिलेंगी, नई नई आइडिया देंगे आपको, एक्सेस एंटॉर्क बाइक, बाइक में बैनले हार्ले डेविडसन जो आपको चाहिए वो मिलेगा। मसूरी के अंदर कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड करनी हो, मेरा नंबर है 7060614075। सुधांशु एंटॉर्क चला के मजे ले थोड़ा। भाई स्कूटी तो ले ली, लेकिन इसका लेफ्ट वाला ब्रेक काम नहीं करता, राइट वाला करता है। राइट वाला ठीक है, अरे मतलब थोड़ा हल्का कर रहा है ना वो। चलो भाई पहाड़ों पे ड्राइविंग, वो भी कहाँ मसूरी में, सही से चला ही लेता होगा। उसे कॉल लगा के पूछ भाई, कहा था कि 1 लीटर पेट्रोल फ्री मिलेगा ना 500 रुपए में, नहीं ये आपने कहा था इसमें 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। अच्छा ठीक है, सुधांशु हिल लियो, आवाज़ तो आ रही है भाई छलकने की। चलते हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, पहले मसूरी लेक चलते हैं, वहाँ से वापस जब आएंगे ना तो कंपनी गार्डन चलेंगे। तो देखो भी। क्या गाड़ी लगा दे सुधांशु यहाँ, अब यहाँ से हमें पता है पैदल जाना है नीचे की तरफ। अच्छा ये रहा ना मसूरी लेक, ये रहा, हम यहाँ से जा तो रहे हैं, ये ज़्यादा नीचे तो नहीं है, यहाँ से दिख रहा तो ज़्यादा नीचे होगा नहीं है ना सुधांशु, पास में ही है। हम लोग पता है सही जगह पर आ रखे हैं, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, पास होता तो बेहतर था, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस जहाँ हमारा होटल था ना वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से जाएंगे हम कंपनी गार्डन, उसके बाद देखते हैं 1-2 जगह और जाएंगे, फिलहाल पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ के मज़े लेके आते हैं भाई। भाई लेक से ज़्यादा ये मेरे को स्विमिंग पूल लगता है, पानी यहाँ से आ रहा है नीचे भर रहा है, लेकिन ये पानी यार हरा है। यार सुधांशु यहाँ बोट भी होती है, बोट नहीं दिख रही मेरे को। अच्छा वो साइड में यहाँ से रास्ता, यहाँ से पानी देखो यार हरा। हम ना थोड़ा जल्दी आ गए, ये है सेल्फी पॉइंट, अंदर जा रहे हैं और घूमना है देन वापस बाहर। आंटी ने तो बंद कर दिया, आंटी कब खुलेगा ये आएगा तब खुलेगा। सो हम लोग लेक में तो आ गए, लेकिन एक सीन हो गया, हमको ज़्यादा जल्दी आ गए, अभी पता है यहाँ सब कुछ बंद है, अभी चीज़ें खुल रही है, कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे चीज़ों को खुलने में, लेकिन ठीक है नॉट अ बिग डील, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, एक स्विमिंग पूल है जिसके चारों तरफ बोट घूमती है। लेक का पानी आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आता है, लेक का पानी नहीं आता सुधांशु इधर, ये बना रखा है, लेक का पानी नीचे जाता है, नीचे जाता है, हाँ ये बना रखा है, मैन मेड है। हम दोनों के दोनों जा रहे हैं यहाँ से वापस, क्योंकि पता है यहाँ पे कुछ है नहीं, मार्केट अभी खुले ही नहीं है, वो खुलेगी 2 घंटे बाद। यहाँ जाता है ये पानी नदी का पानी है, पता है ना नदी का पानी है, नदी का कह रहा हूँ, ये ऊपर से आ रहा पानी ग्लेशियर वगैरह से, यहाँ जा रहा है आगे। हम जा रहे हैं यहाँ से कंपनी गार्डन जा रहे हैं, हम यहाँ से मैं इस बार बैठा हूँ पीछे भैया के। दिल्ली के ड्राइवर मसूरी में गाड़ी चलाते हुए। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं कैंपटी गार्डन, कंपनी गार्डन, हाँ जो भी है कंपनी। ये ढलान है गाइस, देखो
इसकी माँ की चूत। गाइस ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे रास्ता लंबा क्यों बताते जा रहे हैं? अब 6 मिनट दिखा रहा है, क्या है घुमा रहा है क्या हमें? गाइस हम लोग गिर गए यहाँ पे। अरे भाई मेरे को डर लग रहा है, भैया के पीछे बैठने वहीं से बढ़िया पैदल ही आता मैं। सारा क्या आ गया मैं क्या करूँ, सारा क्या आगे आ रहा मैं भाई। ढलान ढलान है भयंकर गाइस यहाँ पे, मैं सरक सरक के नीचे जा रहा हूँ। चलो यार क्या हो रहा है भाई, कंपनी गार्डन कभी मत आना, मसूरी मत आना भाई। कंपनी गार्डन का रास्ता इतना गंदा है, इतना गंदा। सुधांशु कहाँ आ गया हूँ हम, पता उल्टा आ गए। हाँ लगता है अब वापस मुड़ना पड़ेगा। देखो यही तो दिखा रहा है, ये देखो गाइस यही दिखा रहा है ये। अब यहाँ तो नहीं है नीचे और। गाइस कभी इस रास्ते मत आना, ये बहुत लॉन्ग कट है, एक शॉर्टकट रास्ता भी है। गाइस भैया हैवी ड्राइवर है भाई, ऐसा लग रहा है डबल डबल गोल गोल घूम गए, जहाँ से शुरू किया वहीं आती है। कहाँ पे है, यही है ना लेफ्ट में राइट में। गाइस हम पागल बन गए, ये पहुंच चुके हैं हम कंपनी गार्डन। भैया भैया गाड़ी पार्क करते हैं, टिकट कटवाते हैं। सो बॉयज 30 रुपये पार्किंग के, जो ये लोग खुद खा जाते हैं। 50 रुपये पर हेड वो टिकट एंट्री, मतलब टिकट अंदर आने के लिए। उसने 10 रुपये कमीशन भी लिए मेरे से भाई। नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, देखते आगे क्या। मैंने देखा एक छोटा सा झरना है, मैन मेड ही है वो भी वैसे भाई। वो व्हाइट कलर का एक पौधा था, मेरे को पता देखने में ऐसा लगा गोभी है। मैं भी वही सोच रहा था। ये जगह मस्त है ना वैसे, फाड़ू जगह भाई, चारों तरफ शॉप। अभी यहाँ फूड कोर्ट्स वगैरह हैं और कुछ है। नीचे चलते एक बार, यहाँ से करते हैं एंट्री। ये गार्डन है भाई, कंपनी गार्डन का मतलब है चारों तरफ गार्डन गार्डन नहीं, एक गार्डन बहुत सारे पौधे उस गार्डन में, सिस्टम ऐसा है। ये पर्पल वाला फूल गुल लग रहा है। यहाँ पे कृपया लॉन में प्रवेश ना करें, ठीक है नहीं कर रहे। यहाँ से बाहर चलते हैं भाई, चारों तरफ यहाँ पे पता क्या है, फूड कोर्ट और एक हॉन्टेड हाउस। अंदर फूड कोर्ट है वो तो, म्यूजियम भी है। म्यूजियम चलते हैं आजा। कहाँ है म्यूजियम? म्यूजियम नहीं है यार, झूले। फूड कोर्ट अच्छा, वैक्स म्यूजियम है। ओहो ये भाई वैक्स म्यूजियम तो है, माइकल जैक्सन की भी फोटो लगी दिख रही है, लेकिन है कहाँ माइकल जैक्सन? अच्छा ऊपर से है रास्ता, आजा चले सुधांशु वैक्स म्यूजियम। हम लोग जा रहे होता वैक्स म्यूजियम की तरफ, ऊपर है। अंदर की टिकट नहीं होनी चाहिए, कहीं पता चले वो बोले 200 रुपये निकालो, सीन हो जाएगा फिर। एंट्री फ्री होगा यार, टिकट विकेट कुछ पता नहीं यार, टिकट ना ले लें। माइकल जैक्सन है तभी जाऊँगा मैं। वैक्स म्यूजियम आ गए भाई, यहीं रख दे कॉर्नर में। सबसे पहले मेरे को एमजे ढूंढना है, अमिताभ बच्चन भाई। सुधांशु फोटो खिंचा ले। अबे अमिताभ बच्चन लग भी नहीं रहा भाई, वो दिखता ही नहीं रियलिटी में ऐसा। बराक ओबामा है क्या ये बंदी, कौन है? एंजेलिना जोली ऐसी दिखती है सुधांशु? मुझे नहीं पता था। ये रुक जाए शेफ सलमानी, ये बंदी कौन है? प्रिंस भाई डायना कब से दिखने लगी है ऐसी? डायना की तो हाइट भी इससे लंबी है, डायना लंबी है यार। बेनजीर भुट्टो इसका भी बनाना था। हिटलर सुधांशु, हिटलर ओ पाजी, हिटलर दिख रहा है थोड़ा, एडोल्फ हिटलर। ब्रूस ली, एमजे कहाँ है? ये वो है सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन असली दिख रहा है भाई। ड्रमर ओ एमजे का सबसे तगड़ा लगा भाई, ड्रम ड्रम लगा रखे जो एमजे बजाता नहीं है। रुक जा सुधांशु, सुधांशु खिंचा रहा है इसके साथ। लियोनार्डो लग नहीं रहा भाई रियलिटी में भाई। नाजी पार्टी वाले ग्रीन पहनते थे क्या? चार्ली पे आ गए भाई, चार्ली भी अलग ही दिख रहा है मेरे को। आ जा आ जा आ जा, पहन सुधांशु टोपी टापी। और ये जेफ बेजोस लग रहा है, मोहम्मद रफी नहीं, मिस्टर बीन है क्या ये? ये भी नहीं लग रहा भाई, ये भी अलग है भाई। आइंस्टाइन भी दिख गए इधर भाई, स्वामी विवेकानंद इसके साथ भी खिंचानी है। खिंचा लेते हैं, सबसे सबसे स्पेशल बना रखी है महात्मा गांधी की। वाह, और एक एम जी की है ना, इन दोनों की थी सबसे स्पेशल। मेरा बनाना पीछे कर भाई, चार्ली चैप्लिन के साथ। ओ मतलब जी मेरे सेक्रेटरी के साथ ओवर एक्टर। डंडी रख दे बेटा, देखेगा ना कोई पहलेगा तेरे को।
मैंने वहाँ ड्रम चेयर पर बैठ के खिंचाई थी, पीछे मेरा था एंजल, एंजेलिना जोली, चलो उसके साथ बाद में, पहले बच्चन भाई के साथ, बच्चन भाई, बच्चन अंकल भाई सुन लेगा ना मारेगा। अबे ये कौन है, दुल्ला दुल्हन। अबे पिटबुल, एल्विस प्रेसली का भी होना चाहिए अभी, इधर पिटबुल का भी ठीक है, खिंचवाऊंगा अभी। तू खिंचा रहा है, चल ठीक है, रुक जा। हैं कहते हैं अमिताभ बच्चन लंबा है, वाकई में लंबा बना रखा है, पता है स्टैचू। आ जाओ बराकू मामा के साथ, नहीं पहले पिटबुल, पिटबुल का कोई सिग्नेचर मूव है बता। मैंने सबके साथ खिंचा ली बराक ओबामा वीडियो, वीडियो वीडियो अमेरिका, आई एम योर न्यू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट गॉडसन फ्रॉम द इंडिया, आपका देश पूरा बदल दिया जाएगा, अमीर से गरीब बना दिया जाएगा। ऐसे गाड़ियों का सामने दौड़ा, सुदान से जा रहा बंदी के साथ खिंचाने, आ जा यहीं खड़ा हो जा, तब ध्यान दे दिया यहाँ पे, वो भी था क्राउन ले बैठ। सुजानसु तेरा फेवरेट हथियार आ गया यहाँ हुक्का भाई, लास्ट टाइम देख लो म्यूजियम, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ स्टैचूज तो बहुत मस्त है, सारे ही मस्त है वैसे तो। मैं तो छोड़ दिया हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने मेन मेन बंदों के साथ ही खिंचाई है, तूने ये, इसने पता ये जो दिखा सबके साथ खिंचाई, मैंने मेन मेन बंदों के साथ खिंचाई है, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने भी खिंचाई है, शेफ के साथ खिंचाते मैंने भी नहीं खिंचाई। अच्छा वो सुधांशु ने याद दिला दिया, मैंने शेफ के साथ नहीं खिंचाई, वैसे तो मैंने उन दोनों के साथ भी नहीं खिंचाई, लेकिन उन्हें छोड़ो शेफ के साथ खिंचा लेते हैं, चल खींचता हूँ मैं तुम दोनों के, एक दिन अपना भी स्टैचू लगेगा प्रो, मजाक कर रहा हूँ बस, फिर तू ही चला लियो, चलते हैं भाई यहाँ से नीचे सही से उतरेंगे। सही कहूँ पैसा वसूल, अगर कंपनी गार्डन के अंदर आ रहे हो तो वैक्स म्यूजियम आ जाना, इतना मज़ा आएगा, तुम लोगों को पता ही हमने हम लोगों ने कितने मज़े के अंदर अंदर पता, काफ़ी कुछ था देखने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए, जितनी मर्जी फोटो खींचो, इतने सारे स्टैचू थे यार, एमजे था, पिटबुल था अंदर, तुमने देख ही लिया यार कौन कौन थे, नाम तुम्हें सबकी पता है, यहाँ फोटो खिंचानी सुधांशु। अब हम लोग जा रहे हैं यार, बस पकड़ते निकले, अब बस पकड़ के हम लोग निकल रहे हैं हॉन्टेड हाउस से, पता भेड़िया के पास आ रहा हूँ बार बार। हम आ चुके हैं यहाँ से बाहर अपनी स्कूटी, अबे वो रही भाई ब्लू वाली, वो देखो कितनी भीड़ लग गई। अच्छा हम सही टाइम पे आए, चलो पता बिल्कुल सही टाइम में अंदर गए हैं, क्योंकि अभी जो बंदे आ रहे हैं ना वहाँ पे, उनकी वजह से भीड़ हो जाती, अगर हम लोग अभी आते तो फोटो वोटो खींचने को कुछ नहीं मिलता, हम ऐसे टाइम पे गए जब कोई नहीं था, हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी। चौक में तो आ गए हम, जिस बंदे को हमें स्कूटी देनी है, बस हमारा पता एक चीज़ का नुकसान हुआ, हमने जो स्कूटी बुक करी ना 500 रुपये में, ये थी दिक्कत, क्योंकि 500 रुपये में अगर तुम स्कूटी वगैरह बुक करते हो तो पूरे दिन घूमो, लेकिन हम दो तीन घंटे भी नहीं भाई, 2 घंटे करीब घूम के जा रहे हैं वापस, क्योंकि यार मेरा थोड़ा ऑफिस वगैरह का काम था, इसीलिए मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। रात को हम लोग इसी एरिया में घूम रहे थे, आगे भी जा सकते हैं लेकिन छोड़ो। सुधांशु बस यहीं से मिलेगी क्या? पीछे से जाएगा। वो गया स्कूटी वाला व्यक्ति, मैंने पंजाबी में बोला बस कितने है, बस कितने है पंजाब पुलिस वाला कह रहा है तले, उसे लगा अब भी पंजाबी है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बस वगैरह ढूंढने के लिए, बस वगैरह नीचे मिल जाएगी, निकलते हैं अब यार। बस आ गई भाई, बैठते हैं उस पर जाके, ले सही सीट पे बैठे भाई हम दोनों भाई, यहाँ से हिलती बहुत है लेफ्ट राइट। ये हम चल पहुँच गए हम लोग देहरादून, हम पहुँचे 2:10 बजे, अब 10 मिनट में हम बस में बैठेंगे, 4 बजे का।